नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। इनकम टैक्स अपीलीय प्राधिकरण के 79वें स्थापना दिवस के मौके पर सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बॉबडे ने कहा कि इनकम टैक्स अपीलीय प्राधिकरण ने ही देश में ट्रिब्यूनल व्यवस्था की नींव रखी, जिसने आज देश की न्यायपालिका पर बोझ को काफी हद तक कम किया है। सरकार ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने का प्लान पेश कर दिया है। इसके मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100% हिस्सेदारी बेची जाएगी। तमाम विरोध के बावजूद सरकार एयर इंडिया को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने सोमवार को इस बारे में प्रारंभिक जानकारी वाला मेमोरेंडम जारी कर दिया। कपड़ा बाजार में पिछले एक माह से अच्छी ग्राहकी बनी हुई है। उत्पादक केंद्रों से नियमित आपूर्ति और भाव बढ़कर नहीं आने का लाभ खेरजी में भी देखने को मिला। दीपावली के बाद से बाजार में भाव स्थिर है। अच्छी ग्राहकी देखते हुए निर्माता भाव नहीं बढ़ा रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में आगामी कारोबारी सप्ताह के दौरान उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि निवेशकों को आगामी आम बजट 2020 का इंतजार रहेगा। वहीं महीने का आखिरी सप्ताह होने के कारण फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अनुबंधों की समाप्ति के कारण बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। नवंबर 2019 के दौरान देश में 14,23,000 नई नौकरियां पैदा हुई, जबकि इससे पिछले महीने यानी अक्टूबर में 12,60,000 नौकरियां सृजित हुई थी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैरोल डेटा से यह जानकारी मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।